आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को अपराधी घोषित करने के मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आप विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने आप विधायक को दंगे और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्ला खान की हिस्ट्री सीट ओपन कर उनको घोषित अपराधी करार दिया था। हालांकि इस मामले में अमानतुल्ला खान को जमानत मिल गई है। अब अमानतुल्ला ने दिल्ली पुलिस के उन्हें बुरे कैरेक्टर के तौर पर पेश किए जाने के ऑर्डर को चुनौती दी है। विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनके चरित्र को जैसा बताया है वो सरासर गलत है। वो किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए जिससे दंगे हों या फिर हिंसा भड़के। अमानतुल्ला की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि अमानतुल्ला के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आप विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बता दें कि जब मदनपुर खादर में अतिक्रमण का विरोध चल रहा था तो विधायक अमानतुल्ला खान मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां काफी हंगामा किया था, साथ ही पुलिस से उन्होंने काफी बहस भी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अभी वो जमानत पर बाहर हैं।